नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के नीमखेड़ा कुशियारी के जंगल में बाघ ने एक पर किया हमला, हुई मौत। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। रायसेन के वन परिक्षेत्र पूर्व के अंतर्गत नीमखेड़ा कुशियारी के जंगल में बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार मणिराम जाटव तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल में गया था। इसी दौरान बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मणिराम की मौत बाघ के हमले से हुई है या तेंदुए के हमले से, क्योंकि जंगल में वर्तमान में बाघ और तेंदुआ दोनों का मूवमेंट बना हुआ है। वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वन विभाग के एसडीओ सुधीर पटले ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम हुआ है, किस जानवर ने खाया? तेंदू पत्ता तोड़ने गए थे जंगल सुबह के, हमने 11 बजे तक देखे आए नहीं, और जब जाके हम 15-20 लोग जंगल गए, जंगल में जाके पूरे जंगल को खोजा, कहीं पे नहीं मिले। अभी शाम को टाइम जब यहाँ पे मिले, पूरे हाथ पैर खरक के, पता नहीं कौन से जानवर ने, शेर ने खाया है क्या और कुछ। हम तो शेर की कई बार लगा चुके हैं, फॉरेस्ट वालों को बता चुके हैं कि 2-4 बार शेर दुख चुका है, लेकिन फॉरेस्ट वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, बस बोल के रह जाते हैं। कहाँ की घटना है ये? ग्राम नीमखेड़ा की, जंगल की, तेंदू पत्ता तोड़ने गए थे भाई। तुम जंगल में मणिराम जाटव कितने बजे निकले थे घर से? ये सुबह 6-7 बजे निकले थे। वन विभाग की टीम पहुंची है मौके पर? कुछ पहुंची थी बस, अभी लास्ट में बहुत देर बाद 10 बार कॉल किया, जब जाके बड़ी मुश्किल से पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग के लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, कहला भाई हम क्या बता सकते हैं, कहला कौन से जानवर निकला, जानवर थोड़ी ना दिखा है। तुम जंगल में क्यों आए थे? इनके साथ और कौन कौन गया था? अकेले थे। अब पत्ता वाले तो कई लोग जाते हैं, लेकिन सब अलग अलग तोड़ते हैं पत्ते। हाँ ये अकेले थे? जी हाँ। और कोई नहीं था घटना स्थल पे? तो अकेले थे हम, सुबह से ढूंढने जुटे थे, जब जाके शाम को 4 बजे मिले हैं। झील में मिले तरह ही। आपका क्या कहना है? मेरा सर यही कहना है कि फॉरेस्ट वालों को बिल्कुल गौर ही नहीं कर रहे हैं वो जानवरों पे। पहले कभी शिकायत की थी आपने? हाँ, कई बार कर चुके शिकायत। जो चौक है उसके त्यागी जी। सर ये किस जानवर में हमला किया है जिससे मौत हुई है इनकी? देखिए तो विवेचना का विषय, अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ इसमें अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस जानवर ने हमला किया है, लेकिन ये कन्फर्म है कि किसी वाइल्ड एनिमल ने इस पर अटैक किया। कहाँ गए थे ये और क्या कर रहे थे सर वहाँ? ये एक्चुअली इनका नाम मणिराम है और ये नीमखेड़ा के निवासी है और ये हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक है। तो ये सुबह 6 बजे के दरमियान ये तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए हमारे वन क्षेत्र में RF-35 नीमखेड़ा बीच में गए हुए थे तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए। जब इनकी जो डेड बॉडी जो मिली है, इनके पास में एक बोरी मिली जिसमें तेंदू पत्ता भी रखे हुए थे। तो अभी सर जांच में क्या पाया है, मतलब कौन किस जानवर के निशान मिले हैं वहाँ? अभी इस पर साक्ष्य तो कुछ नहीं मिल पाए, हमारी साक्षी अभी भी चल रही है और जो कल इसका पीएम, इनका पीएम होगा, पीएम के बाद और स्थिति क्लियर हो पाएगी।